हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू के सीरीज में। इस सीरीज में हम एवरीडे यहाँ पे 15 एमसीक्यू करते हैं, जिससे कि आपका एवरीडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे रिवीजन होते जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे क्वालिटी के क्लासेस फ्री में अवेलेबल है गाइस, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इत्तिरा दिविस इज द करंट एज ऑफ सेप्टेम्बर 2023 मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज एमडी ऑफ ब्लैंक प्लेस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे आंसर की भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला, एमडी को ना यहाँ पे इत्तिरा दिविस एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे गाइस, यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ पे 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन विच स्टेट मनसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गुजरात रहेगा। तो यहाँ पे आंसर की में भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गुजरात है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, हु इज द करंट एज ऑफ सेप्टेम्बर 2023 प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जय शाह, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जय शाह है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच स्टेट गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, आंध्र प्रदेश के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, एंड गवर्नर कौन है गाइज, यहाँ पे अब्दुल नाजीर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच ईयर द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 1944 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में भी क्या है, यहाँ पे 1944 है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट दिया है। तो यहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुई थी, यहाँ पे जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइज, यहाँ पे यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे अजय बंगा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच स्टेट बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 गुजरात में रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वाज द मराठवाड़ा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 17th ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में भी क्या है, 17th ऑफ सेप्टेम्बर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन सेप्टेम्बर 2023 ब्लैंक प्लेस ऑपरेशन अ ड्रिल इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलॉन्ग विथ वेस्टर्न कोस्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन सेजग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर के में भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच स्टेट ऑब्लिक्यूट इज डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर इन सेप्टेम्बर 2023। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिल्ली में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 18th ऑफ सेप्टेम्बर 2023। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे व्हेन वाज द वर्ल्ड बाम्बू डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 18th ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। इसका भी आंसर यहाँ पे 18th ऑफ सेप्टेम्बर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO ऑन 17th ऑफ सेप्टेम्बर। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे 17th ऑफ सेप्टेम्बर को। अब गाइज यहाँ पे इस ईयर की यहाँ पे थीम क्या थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, थीम क्या है, यहाँ पे एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, इन सेप्टेम्बर 2023 नीरज चोपड़ा फिनिश ब्लैंक प्लेस इन मेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट इन ब्लैंक प्लेस मीटर एट द डायमंड लीग 2023 फाइनल हेल्ड इन ओरेगॉन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सेकेंड रैंक आई थी, एंड यहाँ पे कितने मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे 83.80 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एंड कौन से इवेंट में गाइज, यहाँ पे डायमंड लीग में, जो कि कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे यूएसए में हुई थी, ठीक है, ओरेगॉन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, ऑन सेप्टेम्बर 15 2023 स्पेसएक्स लॉन्च 22 सैटेलाइट
ऑफ इट्स स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज येलियो थ्रू ब्लैंक प्लेस रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था गाइज, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 फैलकॉन 9। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन सितंबर 2023 द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज AAI इंडक्टेड 2 न्यू ब्लैंक प्लेस एयरक्राफ्ट विथ एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम इन टू द फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट दैट इज FIU's फ्लीट टू कैरी आउट द कैलिब्रेशन ऑफ द ग्राउंड नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 B-360। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव रिसीव्ड द संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड 2022 फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर इन सितंबर 2023। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 84 आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 16 सितंबर 2023 को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को ने, यहाँ पे जगदीप धनकर जी, तो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है वन टाइम संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022। तो ये कितने आर्टिस्ट को दिया है, यहाँ पे 84 आर्टिस्ट को दिया है। अब गए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नेम द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ हिज टीम मेंबर हु हैज़ रिसेंटली इन सेप्टेम्बर 2023 वन द 2023 IG नोबल प्राइसेस अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अनूप राजप्पन। अब गाइस यहाँ पे आंसर के में भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अनूप राजप्पन है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन सितंबर 2023 नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड दैट इज NHLML साइन एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट दैट इज MMLP इन ब्लैंक प्लेस सिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द 2023 डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज बाय द सर्फशार्क लिमिटेड इन सेप्टेम्बर 2023 इंडिया हैज सिक्योर्ड ब्लैंक प्लेस रैंक विद द रैंकिंग इंडेक्स ऑफ 0.5154। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 52nd रैंक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो गाइज आज हमने सभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो आई होप कि आज आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपके मोबाइल पे आ जाए। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम एनालिसिस करने के बाद कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यही देख के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सियाराम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।